हेलो व्यूअर्स, नरेशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियोज़ में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखा था और आज से हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच शुरू करेंगे। तो उसका यह पहला वीडियो है। और वैसे व्यूअर्स, जिन्होंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना नहीं सीखा है, वो पिछले वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं। मैं उसे आई बटन में लिंक कर दूंगा। तो सबसे पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस के डिफिनेशन को देखते हैं। वैसे सेंटेंसेस जो ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ईटीसी को दर्शाता है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह सामान्यतः V1 से शुरू होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, गो अवे, गो V1 है। उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज हुआ है, क्लोज द डोर, क्लोज V1 है। फिर ऑब्जेक्ट आया हैव ए कप ऑफ कॉफी, इस तरह से हैव V1 है। तो सामान्यतः जो है इम्परेटिव सेंटेंस V1 से ही शुरू होता है। इम्परेटिव सेंटेंस की चर्चा हमने वॉइस में भी किया था और जो व्यूअर्स चाहे उसे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव रूप में हो तो यह सामान्यतः डोंट या नेवर से शुरू होता है। जैसा कि देखिए, डोंट एंग्री मी, डोंट ड्राइव टू फास्ट या नेवर टेल अ लाई। या तो डोंट से या तो नेवर से शुरू होगा, डोंट या नेवर से, लेकिन उसके बाद V1 जरूर आएगा। जैसे एंग्री है, ड्राइव है, टेल है, ये सब V1 है। रिक्वेस्ट दर्शाने के लिए इसके आगे या पीछे, V1 के आगे या पीछे प्लीज़ या काइंडली लगा रहता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली पोस्ट द लेटर, या गिव मी योर बुक प्लीज़। तो इसमें क्या है, या तो आगे या तो पीछे इसके प्लीज़ या काइंडली लगा होता है जब हम रिक्वेस्ट दर्शाते हैं तब। लेकिन यही ध्यान दीजिएगा कि प्लीज़ या काइंडली जब सेंटेंस के पीछे लगाएंगे तो उसे कॉमा से सेपरेट करते हैं, जबकि आगे में ऐसी बात नहीं है। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के कुछ नियम पढ़ेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव रूप में हो, इम्परेटिव सेंटेंस के रूप में हो, तो उसे इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, उसके कुछ रूल्स हैं। हम कुछ रूल्स देखेंगे आज के वीडियो में, कुछ अगले वीडियो में देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को आवश्यकता अनुसार आस्क, टेल, ऑर्डर, कमांड, फॉरवर्ड, वार्न, रिक्वेस्ट, सजेस्ट या एडवाइस में बदलते हैं। वही रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट रूप में होगा तो आस्क्ड हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। तो इसका पास्ट रूप किसी का भी हो सकता है, एडवाइज्ड हो सकता है। तो इसी तरह से उसको हम चेंज करते हैं, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य दिया जाता है। इसको ध्यान रखना है इम्परेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन में, यानी डायरेक्ट स्पीच में, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमाज को टू में चेंज करते हैं। पहले क्या हम लोग पढ़े थे असर्टिव सेंटेंस में, कि डैट में चेंज करते हैं। जब हम लोग यस नो क्वेश्चन पढ़े तो हमने देखा कि इन्वर्टेड कॉमा को इफ़ या वेदर में चेंज करते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हमने देखा कि डब्ल्यू एच वर्ड में ही रहता है, उसको हटा दिया जाता है। जबकि इम्परेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदला जाता है। ध्यान रखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमाज को टू में चेंज करते हैं। इसके बाद इसमें चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है। चेंज ऑफ टेंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम जानते हैं, अभी हमने सीखा है कि इम्परेटिव सेंटेंस V1 से शुरू होता है। तो टू के बाद जब भी V1 आता है, यानी टू प्लस V1 का रूप बदलता नहीं है, यानी उसको V1 को V2 में नहीं बदलेंगे, क्योंकि यह टू के बाद आता है। टू प्लस V1 है जो, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव में चेंज ऑफ टेंस होता है, यानी V1 को V2 में नहीं बदलते हैं। लेकिन चेंज ऑफ पर्सन या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिस तरह से आवश्यकता होगा सामान्य नियम से उसको हम बदलेंगे। उसे हम दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सी सेड टू मी, सिंग इट अगेन, उसने मुझसे कहा इसे फिर से गाओ। देखिए, यहाँ सिंग V1 है, इम्परेटिव सेंटेंस ये है, सिंग इट अगेन। और पहले इसको हम बदलते हैं। सी रूल नंबर वन जो लगाते हैं कि इसको, रिपोर्टिंग वर्ब को, हम बदलेंगे आस्क में, टेल में, ऑर्डर में, कमांड में, फॉरवर्ड, वार्न, रिक्वेस्ट आदि में। तो देखेंगे क्या इसका सेंस है। उसने मुझसे कहा इसे फिर से गाओ, या तो ऑर्डर, या तो सिर्फ सिंपली कही, जब सिंपली रूप में से कहा गया, ऑर्डर नहीं दिया गया है, तो टेल हम यूज कर सकते हैं, आस्क यूज कर सकते हैं। आस्क मीन्स यहाँ पूछना ना होकर कहना हो जाएगा। कमांड तो है नहीं, ऑर्डर तो है नहीं, रिक्वेस्ट सजेशन भी लग नहीं रहा यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखते हैं सी आस्क्ड V2 मी। ऑब्जेक्ट जरूर देंगे, यदि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ना भी रहे तो आंसर बनाते समय ऑब्जेक्ट का यूज जरूर करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस में। सी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हम बदलें टू में। देखिए, यहाँ आस्क जो है वहाँ पे आप टेल का टोल्ड भी लगा सकते हैं,
यदि लगे रिक्वेस्ट का है, हालांकि रिक्वेस्ट का यूज उसी समय होगा जब यहाँ जनरली प्लीज़ या काइंडली लगा हो, एडवाइस सजेस्ट आदि, वो सिचुएशन निर्भर करता है। तो जब ज़्यादा परेशानी हो तो आस्क टोल्ड लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है, सी आस्क मी या सी टोल्ड मी। फिर इन्वर्टेड कॉमा को हमने टू में बदला, सिंग इट अगेन, देखिए इसमें सिंग वी वन है, इसको चेंज नहीं करेंगे वी टू में। इट है जो थर्ड पर्सन है, नो चेंज। अगेन है जो अदर वर्ड्स में आता है, इसको ही बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधा बना सी आस्क मी टू सिंग इट अगेन। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, ही सेड टू रीता कॉल मी टुमोरो। तो ही ऑर्डर्ड रीता, रीता को ऑर्डर दिया, या आस्क रीता, रीता को कहा, या टोल्ड रीता, रीता को बोला, इस तरह से हम लगा सकते हैं। ही टोल्ड रीता टू, अब देखिए कॉल भी वन है, लिख दिए। अब यहाँ मी जो है पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही के अनुसार, तो हो जाएगा हिम। टुमोरो हम बदलते हैं दी फॉलोइंग डे या दी नेक्स्ट डे में, इस तरह से हम इसको बदलते हैं। ही टोल्ड रीता टू कॉल हिम द नेक्स्ट डे, यानी चेंज ऑफ टेंस, यानी भी वन को भी टू में नहीं बदलेंगे, चूंकि टू प्लस भी वन में आता है जो इन्फिनिटिव हो जाता है, लेकिन यदि पर्सन बदलने लायक है तो बदलेंगे, अदर वर्ड्स है तो उसको हम चेंज करेंगे। तो हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए इंपरेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स को भी देखा है और कुछ रूल्स को भी देखा है। इसमें कई और नए नए नियम हैं, जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस का इम्फैटिक रूप जब इंपरेटिव हो उसका, इसका हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इनडायरेक्ट बनाते हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। नहीं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक धन्यवाद। हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें और इसी तरह से देखिए, फॉरवर्ड कीजिए और लाइक कीजिए।